लॉकडाउन की खबर सुनते ही दिल्ली में शराब की दुकानों पर उमड़ी भारी भीड़। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में शराब की दुकान पर लगी लंबी लाइन। लोगों को डर, पिछले वर्ष की तरह लॉकडाउन लंबा लगा तो महंगी हो सकती है शराब। कोरोना गाइडलाइन क्यों उड़ाई जा रही है धज्जियां। आप देख सकते हैं शराब की दुकानों पर कितनी लंबी लाइन लग गई है। जैसे लोगों को पता चला कि दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लगने जा रहा है तो उसके बाद लोग शराब की दुकानों पर पहुंच गए। पिछले लॉकडाउन में बता दें कि शराब पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर महंगी भी की गई थी। अब लोगों को ऐसा भी डर सता रहा है कि कहीं लॉकडाउन 6 दिन की वजह से पिछले वर्ष की तरह आगे भी बढ़ सकता है और पिछले बार की तरह शराब और भी ज़्यादा महंगी हो सकती है। इसलिए शराबी भी अपने शराब की पूर्ति के लिए लाइनों में लग गए हैं और एक शख्स कई कई बोतलें लेकर जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी पेटी शराब की यहाँ पर लोग खरीद कर ले जा रहे हैं। ये लॉकडाउन का सर है भैया? अच्छा, जिससे जैसे सबको लग रहा है कि पहले की तरह लॉकडाउन के हो सकता है कि 2-3 महीने निकल जाए। अच्छा, लंबा लग जाए। लंबा लगेगा। हाँ, इस वजह से डरे, पहले ही लाइन लगा खड़े हो। पहले लाइन लगा खड़े हैं कि जैसे पहले जो महंगाई हुई थी कि हाँ, हो सकता है केजरीवाल भी पहले की तरह कर दे कि भैया 800 रुपए की है जो 400 की है, तो उससे भी लोगों को डर है। लगने का कारण है पीछे इस तरह की महंगाई, गरीब आदमी है, डबल लेते हैं पैसे, तो इसलिए सोच रहे हैं कि पहले ही ले लूं। अब कुछ आदमी ऐसे भी जिनका रोज लाना रोज खाना, अगर वो भी लाइन में लगेंगे तो फिर कैसे गुजारा उनका होगा? वो भी किसी तरह से उधार पैंचा करके कर्ज लेकर ले आते हैं क्योंकि कल के डेट में महंगा मिलेगा शराब। अच्छा, महंगाई की वजह से है कि कभी ऐसा ना हो कि डबल पैसे हो जाए। ब्लैक से कहीं लेगा तो जहर मिलेगा। हाँ, डबल पैसे लेगा। जिस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है, उसी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाई गई नियमावली की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। जरूरत है प्रशासन इन सब व्यवस्थाओं की तरफ भी ध्यान दे ताकि लोग संक्रमण के चपेट से बच सके, और जरूरत है लोग भी प्रशासन का इस मुहिम में साथ दें।